हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं आपसे ही राय। तो आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठाने वाले हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के चलते हरियाणा से सटे हुए जो दूसरे क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं सील कर दी गई हैं। जो बड़े शहर हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली से लग रही हैं, दिल्ली से सटी हुई हैं, वहां पर भी उनकी सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और हरियाणा ने दिल्ली से सटी अपनी कई सीमाएं सील कर दी हैं और आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया है और किसी भी तरह की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया है। तो वहीं बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां तक कि पास धारकों की एंट्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। दरअसल झज्जर में कोरोना के 5 के सामने आए हैं जिनका दिल्ली से कनेक्शन है, इसके बाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो हल्ला बोल में हम यही पूछ रहे हैं कि बॉर्डर सील क्या ताबूत में कील बनेंगे, क्या बॉर्डर सील करने से जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लग पाएगी, प्रशासन के साथ मिलकर आखिरकार हम क्यों नहीं चल रहे हैं। आप देखिए कि व्यक्ति दर व्यक्ति वायरस बढ़ता है और आप देखिए अगर किसी एक व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण है तो वो जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा, चाहे वो घर परिवार के व्यक्ति हो या फिर वो बाहर के व्यक्ति, वो सभी व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए कि कोरोना वायरस का संक्रमण व्यक्ति दर व्यक्ति हो रहा है और आप देखिए कि नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो नियमों की सख्ती से प्रदेश में बैन होगी कोरोना के एंट्री, सवाल ये भी बना हुआ और सवाल ये भी है कि क्या आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, सरकार की ओर से जो जो हिदायतें दी गई हैं क्या आप उन हिदायतों को मान रहे हैं, सरकार ने जो जो उम्मीदें जनता से की हैं क्या आप उन उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। और देखिए इस वक्त आपका घरों में रहना बेहद जरूरी है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है और इसीलिए यह अवधि बढ़ाई गई है ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकें, आप लोग स्वस्थ रह सकें और देश को कोरोना से मुक्त बना सके। क्योंकि आप देखें कि लगातार लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ाई गई है और आप देखें कि 3 मई तक इस देश की जो स्थिति होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो सावधानियां हैं उन पर ही निर्भर होंगी कि आप किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं और किस तरह से आप ये देखते हैं कि आपके इलाके में मामले लगातार रुक रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी कोई भी जो राय है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आप लोग जिस जिस समस्या से दो चार हो रहे हैं वो समस्या भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए लगातार हम यही पूछ रहे हैं कि जो राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं ये कितना सही है और ये कितना सही नहीं है, इससे कितने सारे काम है जो बाधित हो सकते हैं और इससे कितने सारे जो काम है वो ठीक भी हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि लगातार जो है मामले संक्रमण के बढ़ते जा रहे हैं और ये संक्रमण के जो मामले हैं इन पर रोक लगानी बेहद जरूरी है। और आप देखिए कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सरकार इस तरीके के जो नियम हैं वो बनाने को मजबूर नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि बहादुरगढ़ से भी कई सारे केस हैं जो सामने आए हैं और आप देखिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस दस्तक देता है तो वहां पर समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो कार्यक्रम में पहले कॉलर विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है हमारी सरकार इतनी जागरूक हो रही है कि बड़ी तरह जबरदस्त प्रोग्राम चला रखा है तो आम जनता का भी ये फर्ज बनता है कि भाई जीवन से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और बहुत समय है पैसा कमाने का, बहुत समय है व्यवस्था बनाने का और इस हिसाब किताब से जैसे सरकार हमारा योगदान कर रही है इससे भी ज्यादा योगदान करना चाहिए जिससे भाई हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा प्रांत, भाई दुनिया से ये बीमारी खत्म हो जाए और लोगों का कल्याण हो। यही मेरी आपसे जनता से अपील है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन को कामयाब बनाए। धन्यवाद जी। शुक्रिया
विजय कुमार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। कार्यक्रम के अगले दर्शक संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। मैम, हम एक चीज पूछना चाहते हैं, एम्प्लॉय हूँ जी और दिल्ली में पोस्टेड हूँ, तो क्या मेरे को जाने की अनुमति होगी? संदीप, फिलहाल सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके पास पास है तो भी आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी। फिलहाल सरकार की ओर से ये भी बात कही गई है, और अगर अनिवार्य है तो आप अपने विभाग से भी बात कर सकते हैं। मैम, मेरे पास आईडेंटिटी कार्ड है और एसेंशियल सर्विसेज में है बैंक तो। जी, आप अपने विभाग से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर आपके पास एंट्री पास भी है तो वो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। मतलब देयर विल बी नो एंट्री? जी बिल्कुल, एंट्री पास के जरिए भी आपकी जो एंट्री है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल सरकार की ओर से यही निर्देश जारी किए गए हैं, और अगर कोई भी आवश्यक कार्य है या फिर कोई भी बातचीत है तो आप अपने विभाग के जरिए संपर्क भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया संदीप कुमार हमें फोन करने के लिए। तो इसी तरीके से जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और आप जो भी अपने आसपास समस्याएं देख रहे हैं वो भी हमें बता सकते हैं। और देखें कि नियमों की सख्ती लगातार सरकार की ओर से बढ़ाई जा रही है, इससे लोगों को भी खासी परेशानियां हो रही, क्योंकि आप देखें कि इस लॉकडाउन के चलते कई हिदायतें सरकार की ओर से दी गई थी जिनका जनता पालन करती नहीं नजर आ रही थी, और कई चीजों में भी सरकार की ओर से छूट दी गई थी, जैसे जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर आवाजाही बंद की गई थी। लेकिन इसके विपरीत जो किराना स्टोर हैं या फिर जो छोटे मोटे जो स्टोर्स हैं या फिर जो छोटे मॉल्स हैं उनको खोलने की सरकार की ओर से अनुमति दी गई थी। कार्यक्रम के अगले दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। राजेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। हम ये कह रहे थे, पलवल से बोल रहे थे, और दिल्ली जैसे जाना है ड्यूटी वगैरह में, तो क्या हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? देखिए, अगर आपका विभाग आपको कह रहा है कि आप ड्यूटी पर आए तो आप तभी जा सकते हैं, और जो एंट्री पास है वो भी बैन कर दिया गया है, वो भी जो है अमान्य घोषित कर दिया गया, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो वो कैसे जाएंगे, कहाँ से मिलेगा पास? आप इससे अपने विभाग से संपर्क कर सकते हैं। राजेश, आपका विभाग अगर आपको किसी भी कार्य के चलते कोई भी अनुमति देता है या कोई भी गाइडलाइंस बनाकर देता है, तो आप वो चीजें वहां पर जो भी पुलिसकर्मी मुस्तैद हों आप उनसे बात कर सकते हैं। राजेश, फिलहाल कल जैसे न्यूज देख रहे थे, स्टेट हरियाणा स्टेट के उनसे सामने बोला है कि केवल इंटर स्टेट पास ही वैलिड होंगे, बाकी कोई पास वैलिड नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुखवीर कार्यक्रम के अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखवीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। हेलो जी सुखवीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। हाँ जी, मैं बबियाल गांव से बोल रहा हूँ, बालाघाट से। जी तो मैम, एक्चुअली हमारे यहाँ पर कोरोना का जो मरीज आया था मैम, सरकारी जमीन कमेटी की लगती थी, उसमें संस्कार किया था जी, तो उसमें पुलिस के पास गांव वालों ने आतंकवाई करी, उसमें ना जो उसको हाथ लगता ही जो भी जो झोपड़ी वाले लोग हैं डेरे वाले जी, तो उनको भी पुलिस ने हमारे 1 किलोमीटर पे गांव पर किया जी। हाँ जी, तो पुलिस ने जी। सुखबीर, आप अपनी बात को एक बार और बताएंगे, क्योंकि आपकी आवाज हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है जी, तो लगता है सुखबीर से हमारा संपर्क टूट गया है, तो लगातार हम जनता से भी यही पूछ रहे हैं कि आप अपने आसपास अपने इर्द गिर्द किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, और देखें कि जिस तरीके से यहां पर सीमाएं सील कर दी गई हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना, क्या विचार है आपका, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप देखिए कि जो अंतर्राज्यीय जो
आवाजाही है उस पर पूर्ण तरीके से जो है पाबंदी लगाई गई है सरकार की ओर से। बॉर्डर सील बनेंगे क्या ताबूत में खील? आप देखिए कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन के साथ मिलकर क्यों ना चले हम, क्योंकि ये देखिए जरूरी हो जाता है इस वक्त के काफी जो केस है वो सामने आ रहे हैं, जो लोग दिल्ली से आवागमन कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, और नियमों की सख्ती से प्रदेश में क्या बैन होगी कोरोना की एंट्री? तो लगातार इस तरीके के जो प्रश्न है वो हम भी पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का इसी मार्फत क्या कहना, जनता क्या सोच रही है। और आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और आप टेलीफोनिक माध्यम से अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं, और आप अपने आसपास अपने इलाके में किस किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं उससे भी हमें अवगत करा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आप खुद भी महसूस कर रहे हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम तक साझा कर सकते हैं। देखिए कार्यक्रम ये जनता का कार्यक्रम है, हल्ला बोल में लगातार हम वही मुद्दे उठाते हैं जो जनता से सरोकार रखते हैं, जिनसे जनता को किसी न किसी तरीके से लाभ होता है, वो चाहे वैचारिक भावनाओं के जरिए हो। तो देखिए हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन ने सरकार ने ये निर्णय लिया है वो कितना सही है, आप लोग कितना मानते हैं कि ये कितना सही है और कितना सही नहीं है, क्योंकि देखिए कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, और खासतौर पर जो मामले सामने आ रहे हैं उन मामलों में यही देखा जा रहा है कि जो लोग दिल्ली से आवागमन कर रहे हैं, लोग जो दिल्ली में काम करने के लिए जा रहे हैं वो लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, और खास तौर पर वो लोग झज्जर के, बहादुरगढ़ के और भिवानी के मिल रहे हैं, क्योंकि आसपास जो भी क्षेत्र हैं, जो भी जिले पड़ते हैं, वहां के चाहे कोई भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो चाहे कोई भी चिकित्सक हो, वो लगातार कोरोना वायरस से ब्रेक के बाद हल्ला बोल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम दर्शकों से यही पूछ रहे हैं कि जिस तरह से सरकार लॉकडाउन के नियमों की पालना की बार बार बात कह रही है तो लोग उन लॉकडाउन के नियमों की पालना क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली से सटी जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है, गुरुग्राम फरीदाबाद के जो बॉर्डर है उनको सील कर दिया गया है, और बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है, तो एंट्री पास के जरिए भी आवाजाही बंद कर दी गई है। तो इसी मार्फत जनता का क्या कुछ कहना है, और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका क्या कुछ कहना, क्योंकि आप देखिए कि बॉर्डर सील करने से जिन लोगों का दिल्ली में काम होता है या जो लोग दिल्ली में नौकरी कर रहे होते हैं जिनके विभाग से उनको छुट्टियां नहीं मिली हैं, तो वो क्या कुछ स्थिति फिलहाल महसूस कर रहे हैं, किस तरह से वो देख रहे हैं उनके काम को, किस तरह से वो तमाम स्थिति तमाम परिस्थिति को देख रहे हैं, तो यही दर्शकों से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सही फैसला है, और अगर ये सही फैसला है तो इसमें जनता प्रशासन को कितना सहयोग दे रही है। और देखिए लॉकडाउन जो है वो सरकार की ओर से बढ़ाया भी जा सकता है ऐसी बात कही जा रही, क्योंकि आप देखिए कि 3 मई तक जो संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ने की संभावना बताई जा रही रिपोर्ट्स के जरिए। आप देखिए कि लगातार जो है देश भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रदेश का भी अगर जिक्र करें तो प्रदेश में भी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आंकड़े खास तौर पर दिल्ली से जो लोग हरियाणा में आए हैं, चाहे वो गांव देहात में आए हों चाहे वो कोई भी हो, तो वहां पर भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसी के चलते सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनकी सीमाएं बंद कर दी गई, उनकी सीमाएं बंद कर दी जाएं, वहां पर एंट्री पूर्ण रूप से बैन कर दी जाए। और देखिए अगर आपके पास एंट्री पास है तो भी आपकी जो आवाजाही है वो नहीं हो सकती है, जरूरी फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, तो तमाम नियमों को देखते हुए जनता से हम यही पूछना चाह रहे हैं कि इस तरीके के जो फैसले हैं वो कितना सही मानते हैं, और किन किन स्थितियों से वो दो चार हो रहे हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं को जिस तरह से सील किया गया है तो जो लोग दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं किसी विभाग में कार्यरत हैं तो उनके ऊपर क्या कुछ स्थिति है, क्या परिस्थिति वो देख रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी बहुत सारी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है वो भी बहुत सारी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। आप देखें कि कई ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें जो पुलिसकर्मी दिल्ली में मुस्तैद हैं और वो अपने घर गए हैं छुट्टियां लेकर, तो तब भी कोरोना का संक्रमण उनमें मिला है, और खास तौर पर इसी तरह के केसों को देखकर ये निर्णय लिया गया है। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से भी केजरीवाल से अपील की गई थी कि वो दिल्ली की जो सीमाएं हैं, जो हरियाणा से सटी हुई सीमाएं हैं उन्हें बंद कर दी, और जो भी लोग
दिल्ली से हरियाणा आ रहे हैं या फिर हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं उनकी आवाजाही भी बंद कर दें, क्योंकि इससे खतरा है संक्रमण का। और आप देखिए कि संक्रमण का जो खतरा है वो व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है। अगर कोई एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो लगातार ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए एक चेन बनती जा रही है और इस चेन के जरिए लगातार लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा बन रहा है प्रदेश में, देश में। और जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और आप अपने इर्द गिर्द जिन जिन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं वो समस्याएं भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, वो समस्याएं भी आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि हम लॉकडाउन के नियमों का किस तरह से पालन कर रहे हैं और ये सारी चीजें पूर्ण तौर पर हम पर निर्भर हैं। क्योंकि देखिए अगर हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा रहे हैं, किराना स्टोर से या फिर कोई भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अगर हम खरीद रहे हैं, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, दो गज की दूरी का जो नियम है उसको अपना रहे हैं और इस दूरी के नियम को अपना रहे हैं, तो देखिए हम कोरोना वायरस से मुक्त कर सकते हैं अपने प्रदेश को, अपने देश को। तो इन्हीं तमाम स्थितियों को देखते हुए सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है और प्रशासन के साथ मिलकर आखिरकार लोग क्यों नहीं चल रहे हैं ये भी प्रश्न बना हुआ। क्योंकि देखिए कि हरियाणा प्रदेश के भी कई जिलों की बात कर ले तो वहां पर भी लोग लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आए हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते नहीं नजर आए हैं। और देखिए कि प्रदेश में फिलहाल पुलिसकर्मियों की ओर से भी कहा जा रहा है कि वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से वैसे ही हो रही है जैसे पहले थी, लॉकडाउन से पहले थी। हालांकि इस आवाजाही को आंशिक तौर पर कम माना जा सकता है लेकिन लगातार पुलिसकर्मी भी चालान कर रहे हैं, लोग वाहनों पर, बाइक पर, बुलेट पर ऐसे ही शहरों में घूम रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मी भी लगातार अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहे हैं। और देखिए इन बॉर्डर्स पर जो पुलिसकर्मियों की जो मुस्तैदी है वो भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और इन बॉर्डर को सील करने के बाद स्थिति में क्या कुछ सुधार आएगा। लेकिन प्रश्न ये भी बना हुआ है कि जो लोग दिल्ली में कार्यरत हैं, दिल्ली में जो लोग नौकरी करने के लिए रोज जा रहे हैं, जिनकी आवाजाही हो रही थी, उनकी क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, क्या विभाग उनको किसी न किसी तरीके से राहत देगा। तो देखिए एंट्री पास के जरिए भी आवाजाही बंद कर दी गई है और ये इस वक्त जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें दिल्ली भी अग्रणी है, जिनसे संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जिनसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जिन जहां के आंकड़े ज्यादा हैं। तो आप देखिए कि ऐसे में जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार किस तरह से और भी ज्यादा नियम तय करती है और इससे ये भी तय होता है कि हम लोग भी कितने जागरूक, कितने जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। और लगातार हम यही बता रहे हैं कि गुरुग्राम फरीदाबाद के बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं, बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उनको भी सील कर दिया गया है। तो आसपास के क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। हालांकि अगर आपके पास एंट्री पास भी है तो वो भी अभी फिलहाल मान्य नहीं है क्योंकि देखिए स्थिति जो है वो फिलहाल बेहद गंभीर हो चुकी है और इसी स्थिति को देखते हुए लगातार यही कहा जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इस वक्त ये जरूरी भी हो जाता है कि आप तमाम नियमों का पालन करें क्योंकि आप देखें कि अगर हम जिम्मेदार हैं और फिर कोरोना वायरस से हम अपने राज्य को मुक्त कर रहे हैं तो फिर इस तरीके की स्थितियां नहीं आएंगी। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ, नमस्कार।